तो आखिर हम सही ही थे। जैसा कि हमने बात किया था वो MG2 के टीजर से ही कि हमें कुछ इसमें संदेह लग रहा है, कुछ ना कुछ शक की बात ही है भाई साहब, कि टीजर में जो है सेक्स एजुकेशन के नाम पर LGBTQ एजेंडा दिखाया जाने वाला है, जहां आपको जो है होमोफोबिक बनाया जाएगा, सेक्सुअल आपके दिमाग में जो है इस प्रकार की जो बातें भरी जाएंगी जिससे आप अपने एजेंडा पर शक करना चालू कर दोगे, खास करके छोटे छोटे बच्चों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आखिरकार ये न्यूज़ आ रही कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रोक दिया गया, ए सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ ही साथ इसमें कुछ बहुत सारे कट्स लगाएंगे, ऐसे बातें रहे। तो ये बताओ मुझे OMG2 भगवान शंकर की उनके भक्त एक कहानी, इसमें कहाँ से सेंसर बोर्ड आ गया भाई, इसमें कहाँ ए सर्टिफिकेट आ गया। अब समझ में आ रहा है कि बॉलीवुड किस तरह से काम करता है, बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा किस तरह से काम करता है, ये आपको धर्म के नाम पे क्या बेचना चाह रहे हैं। यही बात हुआ था PK में, यही बात होता है आपको किसी भी बात में OMG जो पार्ट बना है तो उसमें होता है, जहाँ एक काला पत्थर कह दिया जाता है शिवलिंग को, जिसमें हम चुप रह जाते हैं और अगर कुछ बोलो तो हिंदू तो असहिष्णु है, हिंदू तो जो है धर्म विरोधी है, हिंदू तो जो है अहिंसा धर्म को छोड़ दे, इस अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो भाई इसी तरह से आपको आपके खिलाफ यूज़ किया जाता है और जो है हिंदुओं को जो है हिंदुओं के खिलाफ भड़का के, तभी तो राष्ट्र इतने टाइम से हमारा जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाए। और रही बात इस फिल्म की, तो अक्षय कुमार अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हुए हैं और देख रहे हैं फिल्म कैसे बना रहे हैं, ये लोग जो है प्रोपेगेंडा के हिसाब से काम करते हैं, ये लोग जो है समय के गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। जो प्रॉब्लम है जिसमें सेक्स एजुकेशन दिखाया जाने वाला है OMG2 में, जिसके बारे में हमने बात किया था कि हमें सिर्फ डाउट था, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसको ए सर्टिफिकेट दे दिया है, सेंसर बोर्ड द्वारा इस पर जो है बहुत सारे जो है चेंजेस के लिए इसमें जो है रोक दिया गया है मूवी को। तो इससे तो क्लियर ही हो गया है कि इन लोग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ थी वो तो दिखाने ही वाले थे, इसीलिए जो है अभी रोक दिया गया है। और रही बात इन लोगों की मतलब धर्म के नाम को उपयोग करने की, तो ऐसा तो बॉलीवुड हमेशा से करता आ रहा है, लेकिन वही बात है अब जो है समय बदल चुका है। तो ये देख रहा हूँ मैं कि YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लेकिन बहुत सारे जिनको मैं देखता हूँ रिव्यू वगैरह करते हैं वो सिर्फ सिनेमेटोग्राफी, ये एक्टर ने ऐसे एक्टिंग किया, इतना बजट है, ये मजा आ रहा है, ये मांस मसाला, बस भाई साहब फिल्म कोई बात नहीं करता। मैं दो तीन लोगों को बस जानता हूँ जो ऐसे बात करते, प्रतीक बोराडे जी हैं और आशुतोष झा है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, सत्य सनातन के हमारे अंकुर आर्य जी हैं, लेकिन उन्होंने भी 72 हूरों का जो है गलत रिव्यू कर दिया था, जब कुछ जितनी घटिया थी लेकिन उसका वो पॉजिटिव रिव्यू करते हैं, लेकिन अभी वो जो है इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वही बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि राष्ट्रवादी सोच रखते हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो यूट्यूबर्स हैं जो रिव्यू के नाम सिनेमेटोग्राफी बजट और एक्टर के जो फैन फॉलोइंग है और चुतियाब जो है सब चीज़ को रिव्यू करते हैं, ये सब जो है ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन जो गहराई की सोच होती है जैसे कि पठान में पाकिस्तान प्रेम है ये उनको नहीं दिखाई देता है, वो सिर्फ SRK के फैन बेस को देखकर खुश जाते हैं। सलार में जो अभी देखो कौन सी प्रॉब्लमेटिक थिंग आने वाली है उसको वो लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ जो है ऊपर ऊपर से जो इसका रिव्यू किया जाता है, जबकि आपको फिलोसॉफिकल जो है थिंग है उसको देखने में जो है आपको जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जिस राइटर ने उसे लिखा है, जिस डायरेक्टर ने उसे बनाया है, जिस स्टोरी टेलर ने उसको लिखा है, जिसने सॉन्ग बनाया है, वो कुछ सोच के लिखता है, उसका अपना फिलोसॉफिकल, उसका जो है अपना कुछ खुद का एक जो है थिंकिंग होता है जिसके आधार पर वो उस चीज़ को लिखता है। तो इस प्रकार से ऐसे नहीं है क्योंकि फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, बिल्कुल भी बात नहीं है, कला और साहित्य ऐसे क्षेत्र बन चुके हैं जिस पे जो है आज जो है बड़े बड़े जंग लड़ने से, बड़े बड़े परमाणु हथियार से भी जो है ज़्यादा इफेक्ट यही करता है, क्योंकि आज हम जो है अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता है वो मूवीज में देख ही रहे हैं, जहाँ झूठा इतिहास दिखा दिया जा रहा है। और वैसी बात है कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी को आदिपुरुष में घटिया तरीके से दिखाया गया, और वही बात है कि श्री कृष्णचंद्र जी को, और यहाँ देखो महादेव जी को हमारे किस प्रकार से दिखाया जा रहा है, वो भी अक्षय कुमार जो है बन रहे हैं हमारे महादेव का रोल कर रहे हैं, अक्षय कुमार इतना फास्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल करने में नहीं चूक रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का रोल करने में नहीं चूक रहे हैं, अब महादेव को भी उन लोगों ने टारगेट बना लिया है। इससे अच्छे तो जो है सिख लोग होते हैं जो कि अपने 10-10 धर्म गुरु हैं, उनका रोल किसी को करने देते हैं और वो बोलते हैं किसी की औकात नहीं है कि उनका रोल कर सके, और ये सही बात है, किसी की औकात नहीं कि कोई महादेव का रोल कर सके, किसी की औकात नहीं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल कर सके, किसी की औकात नहीं है कि हमारे भगवान महादेव का रोल कर सके, लेकिन हम जो है हिंदू जो है इतने सहिष्णु होते हैं कि उनको जो है ये जो है करने देते हैं, उनको जो है इन सब चीज़ों में क्षमा कर देते, ये तो कुछ भी नहीं है। PK में तो हमारे महादेव जी को भागते हुए दौड़ते हुए दिखाया गया, फिर भी किसी ने कुछ कहा क्या, यही बात है, लेकिन लोगों को लोग लगता है कि हिंदू असहिष्णु होते हैं। और यही बात है कि OMG2 में बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक थिंग्स है, लेकिन यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मेरे दोस्तों से मैंने बात किया बोल रहे हैं कि कोई इसमें गलत चीज़ नहीं दिख रहा है, एक भक्त है, एक भगवान है, उसको कोई संकट आकर मदद करेगा, भाई इतना सिंपल होता तो बॉलीवुड ऐसी फिल्म थोड़ी बनाता, उनको अपना प्रोपेगेंडा उसमें घुसाना है, LGBTQ कम्युनिटी का उसमें जो है टैग उसको लगाना ही है, सेक्स एजुकेशन के नाम पे लोगों को ये लग रहा था कि अच्छा है बायोलॉजी क्लास चलेगी, भाई बायोलॉजी की क्लास चलती है तो फिर 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं वो क्या है, इसलिए जो है ये बहुत घटिया इन लोग की मानसिकता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये सोचना
सोचने की बिल्कुल गलती मत करना कि फिल्में जो है एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, धर्म जो है सेकुलर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सभी लोगों की पर्सनल थिंकिंग होती है, जो लिख रहा है उसका थिंकिंग होता है, जो बना रहा है उसका होता है, जो एक्टर है उसका भी पर्सनल थॉट होता है, इसी कारण जो है फिल्में बनती हैं। ऐसी नहीं है कि कोई आपके एंटरटेनमेंट के लिए बना दिया गया है, आप उस सोच को बिल्कुल छोड़ दो। और इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है रिव्यू देख के मूवी को देखने जाए, क्योंकि केरला स्टोरी भी हमें इसीलिए शक था क्योंकि हिंदुत्व से हम धोखा खा चुके हैं। आपको ट्रेलर में अच्छा दिखाया जाता है लेकिन फिल्म में आपको फिर काट दिया जाता है, उसी प्रकार से 72 हुरों में देखने को मिलता है। आप देखें OMG 2 का जब तक रिव्यू ना आए इस फिल्म को बिल्कुल ना देखें। मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं 1% भी बॉलीवुड वालों से कि कोई हमारे धर्म के बारे में कुछ अच्छा भी दिखा सकते हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है कि आप इस फिल्म के एक्साइटेड हैं या फिर आप भी मानते हैं अक्षय कुमार को देशभक्त? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।